रुद्रप्रयाग के बसु केदार तहसील के बस्टा गांव में गुलदार ने एक 8 साल के मासूम को दिन दहाड़े अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मासूम अपने छोटे भाई के साथ पास के ही प्राकृतिक जल स्रोत में नहा रहा था। इस दौरान घात लगाए गुलदार ने मासूम पर हमला कर दिया और उसे उठाकर ले गया, जिसके बाद छोटा भाई घबराकर भागा और परिजनों को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब तक परिजन उसे ढूंढ पाते बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 1:30 बजे यहाँ पे एक घटना हुई। एक 8 साल का बालक, वो स्कूल से आया घर और नहाने के लिए आया था। यहाँ पे एक कुआं है वहाँ पे, और उस पर बाघ ने अटैक कर दिया। वहाँ पे उसका बाघ ने जो है उसको नीचे फेंका। उसके बाद में उसके साथ में उसका भाई भी था छोटा, वो तो भाग गया। उसने घर में बताया, तब तक बाघ उसको खींच के उधर गदेरे में ले गया, उस मार दिया। तब तक गांव के 2-4 आदमी गए वहाँ उसके ढूंढ में। वो गदेरे काफ़ी ऊपर कहीं पे मिला, तब वो लोग लाए घर में, तब तक प्रशासन लोग सभी पहुंच गए। घटना की सूचना पर राजस्व उपनिरीक्षक, तहसीलदार और उपजिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने इसे वन विभाग और प्रशासन की घोर लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले रायडी गांव में भी गुलदार ने एक बंदर को मार गिराया था, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत की गई, लेकिन वन विभाग और प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि गुलदार को मारने के आदेश दे दिए गए हैं और परिजनों को भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। मुझे लगभग 2 बजे सूचना मिली कि बस्टा गांव में एक बालक को गुलदार उठा के ले गया है, जिसकी मृत्यु हो गई। SDM साहब द्वारा सूचना दी गई, तत्पश्चात जो है आपदा कंट्रोल रूम से भी सूचना प्राप्त हुई। लगभग 4:30 बजे हम यहाँ पहुँचे मौके पर, तथा जो है अपने अधिकारियों को सूचना तो तुरंत ही दे दी थी, पर वस्तु स्थिति से भी अवगत करा दिया गया था यहाँ पहुँचने के बाद अधिकारियों को। और लोगों की मांग यह है कि इस गुलदार को जो है शूट कर दिया जाए, तो उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। जो आगे की कार्रवाई होगी उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार की जाएगी। बहरहाल 8 वर्षीय आरुष की मृत्यु से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और ग्रामीणों में शोक की लहर है। इस घटना से पूरा क्षेत्र दहशत के माहौल में है और लोग इस नरभक्षी गुलदार के खात्मे की मांग कर रहे हैं। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।